पहला क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3, तो x की पावर 6 प्लस वन अपान एक्स की पावर 6 का मान क्या है? देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पे दिया है x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर, अगर इसे हल करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपान एक्स बराबर 3। तो एक्स एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2 इधर चला जाएगा, तो 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान पता हो गया, और आप लोगों को ज्ञात करना है एक्स के पावर 6 वन अपान एक्स के पावर 6 का मान। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर 3, तो यहां से आप अगर आप लोगों को निकालना हो एक्स के पावर क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, इसका मान अगर आप लोग निकालना हो तो आप लोग आसानी से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एन क्यूब माइनस 3n। ठीक है, जहां पे n क्या है, यहाँ पे n दिया गया है 3, n का मान 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक घात है, एक घात है, एक घात, यहाँ से 3 घात, एक घात से 3 घात है, तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दें 2 घात है तो यहाँ पे 6 है, 2 3 6, यहाँ पे भी 3 गुना है और यहाँ पे भी 3 गुना है, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज करेंगे एन क्यूब माइनस 3n। फिर से ध्यान दीजिए, जैसे अगर आप लोगों को इस प्रकार दिया गया हो एक्स के पावर 4 वन अपान एक्स के पावर 4 बराबर 5, अगर आप लोगों को ज्ञात करना हो एक्स के पावर 12 वन अपान एक्स के पावर 12 इसका मान ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 3 गुना है, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज करेंगे एन क्यूब माइनस 3n। ठीक है, तो एन क्यूब माइनस 3n, एन का मान क्या है? 5 है, 5 रख दीजिए, 5 का क्यूब माइनस 3 गुणे 5 125 हो जाएगा, माइनस 15 हल कर देंगे 110। ठीक है, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा? 110, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 110। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि x प्लस वन अपान एक्स बराबर माइनस 2 दिया है, x प्लस वन अपान एक्स बराबर माइनस 2, ठीक है ये दिया है आप लोगों को, आप लोगों को ज्ञात करना है x के पावर 1000 प्लस x के पावर माइनस 1000 इसका मान आप लोगों को बताना है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे दिया क्या है x प्लस वन अपान एक्स बराबर माइनस 2, अगर x का मान 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस वन अपान 1 बराबर माइनस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2, तो 1 रखने पे गलत आ रहा है, ठीक है बराबर नहीं आ रहा है, तो यानी x का मान 1 नहीं होगा। अगर x का मान -1 रख दें, x का मान -1 रखेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे -1 रखेंगे, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे देखेंगे हल करेंगे तो -2 बराबर -2, तो अब बराबर आ रहा है, यानी x का मान -1 होगा, ये सही है। ठीक है, अब x का मान इसमें रख दीजिए, क्या दिया गया है, x के पावर 1000 प्लस x के पावर -1000, x का मान क्या आया है, -1, 1000, यहाँ पे -1, -1000। ठीक है, अब देखिए -1 के पावर सम संख्या है तो इसका मान तो +1 आ जाएगा, आप तो जानते होंगे -1 के पावर सम संख्या है तो प्लस में आएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है -1 के पावर -1000, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 1 बट्टे -1 के पावर 1000, 1000 अब नीचे आ गया तो प्लस में हो जाएगा। अब इसे हल कर लीजिए, यहाँ पे +1, ठीक है यहाँ पे देखिए ऊपर तो 1 ही है, अब -1 के पावर सम संख्या, ये भी प्लस में आ जाएगा, ठीक है +1 +1, ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, 2, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर पहला वाला सही है, 2, ठीक है इसका मान आएगा 2। तो ये थे 2 क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।